अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेक्चर सीरीज ऑफ न्यू स्कैंडी मैथमेटिक्स 1 और D1 अपडेटेड एडिशन। डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल अटेम्प्ट क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 ऑफ एक्सरसाइज 7A ऑफ अपडेटेड एडिशन। और जो प्रीवियस हमारे पास एडिशन है उसकी ये एक्सरसाइज 10A है। इस चैप्टर के सोल्यूशन के लिए सेपरेट प्ले लिस्ट आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। इसके अलावा एक्सरसाइजेस के सॉल्यूशन नोट्स और वर्कशीट्स के लिए आप मेरा फेसबुक पेज विजिट कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 2। क्लासिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एक्यूट, ऑब्ट्यूज और रिफ्लेक्स एंगल। डियर स्टूडेंट्स, हमने क्लासिफाई करना है गिवन एंगल्स को एज एक्यूट, ऑब्ट्यूज और रिफ्लेक्स एंगल। हमने आइडेंटिफाई करना है कि ये एक्यूट है, ऑब्ट्यूज है या रिफ्लेक्स एंगल है। सो यू मस्ट नो कि एक्यूट एंगल हमारे पास क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल क्या है और रिफ्लेक्स एंगल क्या है। डियर स्टूडेंट्स, एक्यूट एंगल की अगर हम बात करें, सो एक्यूट एंगल हमारे पास ऑल द एंगल्स बिटवीन 0 to 90 degree हमारे पास एक्यूट हैं। दीज आर द एक्यूट एंगल। देन वी हैव ऑब्ट्यूज एंगल। सो ऑल द एंगल्स बिटवीन 90 to 180 degree दीज आर द ऑब्ट्यूज एंगल्स। ये हमारे पास ऑब्ट्यूज एंगल हैं। एंड ऑल द एंगल्स ग्रेटर देन 180, यानी कि 180 to 360, ये हमारे पास रिफ्लेक्स एंगल्स हैं। ठीक है, बिटवीन 0 and 90 एक्यूट, बिटवीन 90 to 180 ऑब्ट्यूज, बिटवीन 180 to 360 रिफ्लेक्स। सो नाउ वी हैव टू क्लासिफाई दीज। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ए पार्ट देखें, सो ए पार्ट में यहाँ पे आपके पास इस तरह से 90 degree बनता है एंड दिस एंगल इज ग्रेटर देन 90 degree। सो ग्रेटर देन 90 degree जो आपके पास एंगल्स हैं, लाइक 90 to 180, वो आपके पास क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल। सो दिस वन एंगल इज ऑब्ट्यूज एंगल। नाउ बी पार्ट की अगर हम बात करें, बी पार्ट में यू कैन सी दैट द ओपनिंग, इसकी आप ओपनिंग देखें। सो यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि ये आपके पास रिफ्लेक्स एंगल है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपके पास ये टर्निंग ना होता, देन इस तरह से होता, तो देन वी हैव दिस एक्यूट एंगल। बट दिस इज लाइक वन आर्म इज रोटेटेड टू दिस वन, सो ये आपके पास रिफ्लेक्स एंगल है। देन नेक्स्ट आपके पास देखें, यहाँ पे आपके पास 90 degree बनता है एंड दिस इज लेस देन 90 degree, सो ये आपके पास एक्यूट एंगल है बिटवीन 0 to 90। नेक्स्ट आपके पास डिग्रीज में गिवन है 181, सो बिटवीन 90 to 180 ऑब्ट्यूज है और ग्रेटर देन 180 जो है वो आपके पास रिफ्लेक्स है। सो दिस वन एंगल इज रिफ्लेक्स एंगल। 89 degree, डियर स्टूडेंट, बिटवीन 0 and 90 इज एक्यूट, सो इट्स 89, इट्स एक्यूट एंगल। 124 लाइज बिटवीन दिस वन, सो इट इज ऑब्ट्यूज एंगल।
क्वेश्चन नंबर थ्री, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स. डियर स्टूडेंट्स, वी हैव टू फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. सो सबसे पहले हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स देख लेते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं. स्टूडेंट्स, टू एंगल्स आर सेट टू बी कॉम्प्लीमेंट्री इफ दे एडेड अप टू 90 डिग्री. अब इस चीज को समझ लेते हैं. टू एंगल्स को हम कॉम्प्लीमेंट्री कहेंगे इफ वी एडेड अप इन टू 90 डिग्री. अगर इनका सम जो है वो 90 डिग्री हो, सो ये एंगल्स आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री होंगे. लाइक 50 डिग्री एंड 30 डिग्री. सो आपके पास ये दोनों एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री हैं बिकॉज दीज टू एंगल्स आर एडेड अप टू 90 डिग्री. सिमिलरली 70 डिग्री, 20 डिग्री, 70 प्लस 20 यू विल गेट 90 डिग्री. सो दीज टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. नाउ इफ वन ऑफ द एंगल इज गिवन टू यू, लाइक इफ 30 डिग्री इज गिवन टू यू एंड यू हैव टू फाइंड द अदर वन, सो हाउ कैन यू? यू हैव टू फाइंड दिस एंगल सो दैट देयर सम इज 90 डिग्री बिकॉज यू हैव टू फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. सो आप क्या करेंगे, एक एंगल आपको पता है, सो ऑब्वियसली 90 में से आप 30 को माइनस कर देंगे, सो यू विल गेट 60 डिग्री. 60 प्लस 30 90. ओके, सो सेम वे वी इन दिस क्वेश्चन हमें एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल गिवन है, सो हमने दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड करना है. यू नो इट दैट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर एडेड अप टू 90 डिग्री. सो आपको एक एंगल गिवन है जो कि है 18. सो आप 90 में से 18 को माइनस कर दें, सो द अदर इज 72. नाउ यू कैन सी दैट एक 18 दूसरा 72 एडेड अप टू 90. दोनों एंगल्स जो हैं वो उनको ऐड करें तो यू हैव द 90 डिग्री. इट्स मीन दैट दीज टू आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. सिमिलरली 90 डिग्री में से आप 46 डिग्री को माइनस कर दें, सो आपके पास आ जाएगा अदर जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है वो आ जाएगा 44 डिग्री. देन फ्रॉम 90 यू हैव टू सब्ट्रैक्ट 53 टू फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. 90 माइनस 53 यू हैव 37 डिग्री. देन 90 माइनस 64 यू हैव 26 डिग्री एज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. सो यू कैन राइट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हेयर, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड अ सप्लीमेंट्री एंगल. अब हमने देखना है सप्लीमेंट्री एंगल फाइंड करना है गिवन जो आपके पास एंगल है उनमें से. अब हम देख लेते हैं कि सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से हैं. टू एंगल्स आर सेट टू बी सप्लीमेंट्री इफ दे एडेड अप टू 180 डिग्री. मीन अगर आपके पास टू एंगल्स हैं और उनका सम 180 डिग्री आ जाता है देन दे आर सप्लीमेंट्री. लाइक 150 एंड 30, दिस टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री बिकॉज देयर सम इज इक्वल टू 180 डिग्री. सिमिलरली इफ वन ऑफ द एंगल इज गिवन टू यू, लाइक इफ 100 इज गिवन टू यू एंड यू हैव टू फाइंड द सप्लीमेंट्री एंगल, सो आप क्या करेंगे? अब 180 इनका सम है, एक एंगल 100 है तो ऑब्वियसली सेकेंड जो है वो 80 होगा. सो दैट 100 प्लस 80 180, लाइक यू विल सब्ट्रैक्ट इट. सो अब हम यही करेंगे. फॉर फाइंडिंग द सप्लीमेंट्री एंगल यू हैव टू सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम 180. फॉर द सप्लीमेंट्री आपको 180 से सब्ट्रैक्ट कर देना है
Similarly, 180 minus 12 degree, 168 degree, 180 minus 102 degree,